शायद महाराष्ट्र के अंदर अब तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है जो फ्री ऑफ चार्ज हो। लगभग एक महीने के अंदर ये 400 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। और आवार साहब ने अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इस सेंटर के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, तो उस शख्स के हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम एमएम अली स्टेडियम में। आपको बता दें कि यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए पहले ही एक हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन अब एक हॉस्पिटल और जो है हाउसिंग मिनिस्टर के तरफ से बनाया जा रहा है। और यह कि अभी आपको हम दिखाएंगे यहाँ कि किस तरह से इस हॉस्पिटल का यहाँ पर काम अभी फिलहाल चालू है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है मौजूद है एनसीपी के अध्यक्ष कलवा मुमरा के शमीम खान, नगर सेवा शानू पठान, रेहान पीतलवाला और सुरमे साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो शमीम खान है उनसे हम बात करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है ये कब तक बनकर तैयार होगा और किस तरह के मरीजों का जो है इसमें इलाज किया जाएगा। शमीम भाई, ये हॉस्पिटल जो है कब तक बनकर तैयार होगा और किस तरह के जो है मरीजों का इसमें इलाज होगा? मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब को। उनकी सोच को सलाम करता हूँ कि उन्होंने मुमरा कौसा कलवा के लिए, यानी मैं अगर कहूँ तो थाना में से कहीं से भी पेशेंट आए तो उसको हम लोग आज यहाँ पे एडमिट करने की यानी प्लानिंग में है। तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज ये जो बन रहा है हॉस्पिटल, हम जहाँ खड़े हैं इस वक्त ये तकरीबन 100 बेड का वेंटिलेटर का ये पूरा, आपने जो जहाँ हम खड़े हैं ये वो जगह है। और इसके बाजू में सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में वो आईसीयू यानी आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से तकरीबन सब मिलाकर के तकरीबन 500 बेड का इसकी प्लानिंग है पूरी, जिसमें 400 यानी 400 बेड तकरीबन अब तक रेडी होने की पोजीशन में है। और आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी जो सामने का जो हमारा एक बना हुआ है हॉस्पिटल यानी करण सेंटर जो बना हुआ है, जिसमें डॉक्टर मुमताज शाह जो है वहाँ पर हमेशा उसकी देख करते हैं हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में, तो वाकई में ये ऐसा काम है जो काम काबिले तारीफ है। इसकी सराहना हम कितना करें उतना कम पड़ेगा। शायद महाराष्ट्र की, मैं मुमरा कौसा और करबा की बात नहीं करता, शायद महाराष्ट्र के अंदर अब तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है जो फ्री ऑफ चार्ज हो। अगर वो कर तो जो सामने का जो बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर वो कम्प्लीटली फ्री है। जो डॉक्टर शाह और डॉक्टर यानी डॉक्टर साहब उसका नाम डॉक्टर शर्मीन, इस तरीके से तकरीबन 7 यानी 3 डॉक्टर्स और नर्सेस वहाँ काम कर रहे हैं। और आज जो हम खड़े हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही इसका भी काम कंप्लीट होगा। खुद मंत्री जी आएंगे और आकर के इसके बारे में पूरा ब्रीफिंग करेंगे। फिर मैं एक बार आखिर में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उन्होंने इतना सुंदर काम किया है। आज देखिए इस्लामुद्दीन साहब, कहीं ना कहीं हमारे शहर को इसकी ज़रूरत थी और वो ज़रूरत हमारे मंत्री जी ने पूरा कर दिया। थैंक यू। शानू भाई, जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो इसमें जो है किस तरह के जो कोरोना के सिर्फ मरीजों का इलाज होगा क्या, और क्या इसके लिए कुछ चार्ज वगैरह लिए जाएंगे या फ्री रहेगा पूरी तरह से? देखिए कैसा है कि ये कोविड हॉस्पिटल है और आनंद फानंद में इतने वेंटिलेटर, इतने ऑक्सीजन की टावर तो भारत में कैसे करना चाहिए, इसको सोचते हुए गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने ये उनके मंत्रालय के जरिए ये बनाया है। और आने वाले वक्त में मुमरा कौसा की आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। हमने स्टेडियम तो शुरू किया ही है लेकिन साथ में वेंटिलेटर की तकलीफ़ की वजह से जो पेशेंटों को आज उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान जा रही है, तो इस हॉस्पिटल बनने से लगभग एक महीने के अंदर ये 400 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। मुमरा कौसा के लोग अगस्त तक इसका लाभ उठा सकते हैं और आने वाले वक्त के अंदर ये महामारी बड़े पेशेंट बढ़ सकते, इसके लिए ये हॉस्पिटल बनाई गई कि आगे फ्यूचर में कभी पेशेंट की तादाद बढ़ जाए तो हमको क्या करना चाहिए इमरजेंसी में। तो हाल ही में 6 से 8 महीने के अंदर हमारा टीएमसी हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन उससे पहले दिन रात मेहनत करके ये कोविड हॉस्पिटल जो बनाया गया है इसके लिए सब उनकी सराहना करना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी सराहना करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हॉस्पिटल को लेकर, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुमरा शहर में जो कोरोना के मरीज थे, लेकिन फिलहाल आज का जो वक्त है कहीं ना कहीं अब स्थिति सामान्य है मुमरा में,
वो जिस तरह से मिल रहे थे लगातार 30-32, आज के वक्त में काफ़ी कम मरीज़ मिल रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। तो ये हॉस्पिटल जो यहाँ बनाया जा रहा है, ये कितना कारगर साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे मंत्री साहब की तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब की, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मुमरा कौसा को इतना बड़ा जो है ये सेंटर मिल रहा है। क्योंकि अभी देखिए आप, ए सिम्टम वालों को कोविड सेंटर में हम लोगों ने जो अभी इंतज़ाम किया है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं पेशेंट जो है कम मिल रहे हैं मुमरा कौसा में। अभी ऐसा हो रहा है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर की कमी होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई लोगों की मौतें भी हो गई है मुमरा में। तो ये आने वाले कल में कभी ऐसी, अल्लाह ना करे, लेकिन कभी अगर ऐसा ये आता है तो ऐसे हालात में जो है हमारे लिए ये सेंटर का होना बहुत ज़रूरी था। और आवार साहब ने अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी इस सेंटर के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, तो उस शख्स के हम लोग जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज इतना बड़ा सेंटर हमें दिया है। और ये सेंटर मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर ही रेडी हो जाएगा लोगों की सहूलत। और मैं शुक्रगुजार हूँ एकनाथ शिंदे साहब की भी, कि जिन्होंने हमारे मंत्री साहब के साथ मिलकर आज हमारा बहुत सारा साथ दिया है। थैंक यू। रेहान भाई, क्या कहेंगे आप इस हॉस्पिटल को लेकर? जिस तरह से मुमरा शहर में मांग तो थी ही, अब हॉस्पिटल भी मतलब दिया जा रहा है इस कोरोना काल के वक्त में, फिलहाल जब तक कोरोना का है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो एक हमारे पास असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए कोविड सेंटर था, लेकिन आज ये हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर तकरीबन 150 से 200 वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये कम्प्लीट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पूरे मुमरा, कलवा, कौसा, सारे जगह से जो पेशेंट्स हमारे अगर आते हैं तो हम इनको एडमिट कर सकते हैं और 100% इसका इलाज कर सकते हैं। सिर्फ असिम्प्टोमेटिक नहीं, सिम्टोमेटिक और सीरियस पेशेंट्स का आज, यस, जो पॉजिटिव है और जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसा कि सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया हो जा रहा है, तो उनको वेंटिलेटर की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी। आज हमारे शहर का हाल कुछ दिनों पहले ये था कि हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की दूरंदेशी से देखते हुए मैं शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र अवार्ड साहब का हमारे, कि उन्होंने ये बीमार होते हुए हॉस्पिटल में खुद एडमिट रहते हैं काफ़ी सीरियस कंडीशन में, इसका बराबर फॉलोअप लिया, और आज उन्हीं की देन है कि ये मंत्रालय के थ्रू आज ये हमारे को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुमरा के लिए है। इंशाल्लाह एक महीने में ये शुरू हो जाएगा और 6 से 7 महीने में हमारा TMC का हॉस्पिटल भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल को लेके, जिस तरह से बनाया जा रहा है हॉस्पिटल और इसमें 400 बेड का बंदोबस्त किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे आमदार और मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे कौसा मुमरा के लिए इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने बहुत कम समय में उसको डेडिकेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ICU का 100 बेड सिर्फ ICU वेंटिलेटर का ही इंतज़ाम किया गया है, आइसोलेशन सेंटर अलग से, मतलब कोई चीज़ की इंशाल्लाह अपने कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसका मैं बहुत तहे दिल से कौसा मुमरा की तरफ से हमारे मंत्री साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मुमताज भाई, आप जो है जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना का हॉस्पिटल है तो उसको भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जो ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है इसमें पॉजिटिव भी रहेंगे, आइसोलेट वार्ड भी है यहाँ पर, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज देखिए जो है, आज जो है जो CC कोविड केयर सेंटर जो हमारा खुला, तो मुमरा कौसा से केसेस कम होना शुरू हुआ, और यही सबसे बड़ी बात होती है कि जिस एरिया में भी CC सेंटर हो जाता है, कोविड केयर सेंटर, यानी जो पॉजिटिव पेशेंट आता है वो तुरंत जो है पकड़ के जो है हमेशा उसमें डाल दिया जाता है, वो किसी के टच में नहीं आता, 10 दिन आइसोलेट हो जाता है उस वजह से एरिया से, तो आज मुमरा का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और दूसरा, ये पूरा डेडिकेट हॉस्पिटल आ रहा है, ये हॉस्पिटल आने के बाद जो जितने भी सीरियस पेशेंट हैं हमारे क्षेत्र, हमारे इलाके, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसको बांटा गया 100 बेड, अब देखिए ICU है, और 6 सेक्शन जो है 49 बेड्स के अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन के बेड्स अलग हैं और आइसोलेशन वार्ड भी है फीवर क्लिनिक के लिए, कि जो फीवर, इसकी स्टार्ट ही फीवर से होती है, तो मुमरा कौसा इलाके में जो फीवर के पेशेंट रहेंगे उनको हम तुरंत जो है कोशिश करेंगे, थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए, मुमरा कौसा के जो डॉक्टर्स प्रैक्टिसनर जो एसोसिएशन है उसके तहत जो है कि जितने भी फीवर पेशेंट रहेंगे उनको कोशिश करेंगे पकड़ के जो है उनको स्टार्ट में ही उनका इलाज हो जाए, और उसमें जो पेशेंट जैसे जैसे मिलते रहेंगे उसी तरीके से उनका इलाज होते रहेगा,
और ये अच्छी चीज़ है और ये मेरे हिसाब से बहुत जल्द शुरू है। दूसरी जो है, जो आप देख रहे हैं सीसी वाला जो हॉस्पिटल है, किसी को भी इस इलाके में कोई भी इस तरीके की परेशानी होती है तो तुरंत जो है एम एम वैली स्टेडियम में आके फ्री आप कास्ट अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आपने सुना है कि जिस तरह से जो एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान और शानू पठान, रेहान पीतल वाला, इन सभी लोगों ने जानकारी दी कि जो स्टेडियम है एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का जो यहाँ इलाज हो रहा था, लेकिन अब जो पॉजिटिव पाए जाएंगे मुंब्रा शहर में और जो बुखार है जिसे नॉर्मल सर्दी खांसी है, तो ये 400 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। एम एम वली में ही स्टेडियम में ही बनाया जा रहा है ये हॉस्पिटल, और इसमें जो है 400 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसमें ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा भी मौजूद रहेगी और तकरीबन एक से एक महीने के अंदर बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में मुंब्रा शहर के लोग जो है उनको कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में जो है एक बेहतर सेवा मिल पाएगी। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम, मुंब्रा।